हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है, अब इसको हमें ऐड करना है। तो हम इसको ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करवाएंगे। तो यानी यहाँ पे जो माइनस वन है उसको हम ऐड करेंगे 12 से, 4 को ऐड करेंगे हम 7 से, यही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है। और माइनस सिक्स को हम ऐड करेंगे 6 से, यानी जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन से उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन को ऐड करेंगे हम 12 के साथ, तो माइनस वन प्लस 12 क्या हो जाएगा, 12 माइनस वन 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 हो गया। उसके बाद हम 4 को ऐड करेंगे 7 के साथ, तो 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे भी 11 आ गया। उसके बाद माइनस सिक्स प्लस करेंगे हम 6 के साथ, एक किस पोजीशन पे है उसी पोजीशन के साथ इसको हम ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें ऐड करना है। तो माइनस सिक्स को हम ऐड करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, तो माइनस सिक्स प्लस 6 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 8 को ऐड करेंगे हम 8 के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद हम 5 को ऐड करना है, तो 5 को हम किसके साथ ऐड करेंगे, 0 के साथ, तो 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 16 को हम ऐड करना है, तो 16 को किसके साथ करेंगे, 5 के साथ, तो 16 17 18 19 20 21, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 है, अब 2 को ऐड करेंगे हम 3 के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें ऐड करना है, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 8 को ऐड करेंगे हम 2 के साथ, तो 8 19 हो गया। 5 को किसके साथ ऐड करेंगे हम, 4 के साथ, तो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यही क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं। तो ये तरीका होता है ऐड करने का। हम क्या करेंगे, सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इस तरीके से हम ऐड करेंगे। और ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।